प्रेजिडेंट फीमेल मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर जम्मू प्रोविंस। सबसे पहले मैं मीडिया के स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो कि टाइम टाइम पर हमारी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुँचाते रहते हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन जो एजेंडा है वो डीपीसी है। हमारी जो फीमेल मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर जो कि डायरेक्टर हेल्थ सर्विस के अंडर आती हैं, उनकी डीपीसी 9 साल से नहीं हुई, यानी कि 2012 के बाद उनकी कोई भी डीपीसी नहीं हुई है। तो हमारी फीमेल मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर जो हैं वो मल्टीपर्पज़ वर्कर ही अपॉइंटेड होती हैं और 32-34 साल सर्विस करने के बाद वो भी मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर ही रिटायर हो जाती हैं। हमने बहुत बार गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि हमारी जो न्यू टाइप पीएससी बनी है वहाँ पर एलएचबी की पोस्ट क्रिएट की जाए। अगर न्यू टाइप पीएससी में हमारी पोस्ट क्रिएशन होती है तो कम से कम हमें 14-15 साल के बाद ही प्रमोशन का मौका मिल सकता है। हम गवर्नमेंट से ये बात कहना चाहते हैं कि हम बार बार धरने प्रोटेस्ट नहीं करना चाहते, लेकिन गवर्नमेंट हमें मजबूर ना करे। जहाँ तक कि बाकी डिपार्टमेंट से ऑटोमेटिक टाइम टू टाइम जो है डीपीसी होती रहती है और हमें क्यों प्रोटेस्ट करने पड़ते हैं, तो हम गवर्नमेंट को यही मैसेज देना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी डीपीसी की जाए, वरना हम 24 अगस्त को विशाल धरना प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं।